नमस्कार, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र, जिसमें सच बताऊं तो खाली इंग्लैंड ने ही स्पेशल किया है भाई साहब। इंडिया के खिलाफ इंडिया में खेलना उतना ही मुश्किल है जितना नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना, लेकिन इंग्लैंड ने ये करके दिखा दिया है। और भाई हम भी मजाक उड़ाने वाली लाइन में आगे ही खड़े थे, लेकिन मान गए बेसबॉल को। कहीं तो मैंने पढ़ा कि आज तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कोई भी टीम इंडिया जाकर 400 रन चार से ज्यादा के रन रेट से बनाकर नहीं गई एक इनिंग में। ना तो इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा क्राउड सपोर्ट था, न ही पिच उनकी मर्जी की बनी थी और न ही उनकी टीम हमसे अच्छी थी। और पहली पारी में तो 190 रन से पिछड़ भी गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद इंग्लैंड वालों ने हमारे साथ कांड कर दिया बाबा, जो हमें बहुत दिन तक सताएगा, जैसे 19 नवंबर अभी तक सता रहा है। तुरंत से पहले समस्या का समाधान निकलना चाहिए, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। क्या क्या समस्या है आइए जरा डिस्कस करते हैं। समस्या नंबर वन, किसी की ट्वीट मैंने पढ़ी थी जिसमें बढ़िया सवाल किया गया था कि मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वनडे वर्ल्ड कप और उसके बाद घर में टेस्ट, अगर हम कोहली की कप्तानी में होते तो मीडिया इस वक्त क्या कर रहा होता? सवाल बिल्कुल वाजिब है, ज्यादा शोर दिख ही नहीं रहा टेस्ट मैच हारने का। आईसीसी ट्रॉफी तो चलो विराट भी नहीं जीते, लेकिन विराट ने हमको बुला दिया था कि भैया आखिरी बार अपने घर पर टेस्ट हारना कैसा होता है। विराट की इतने सालों की कप्तानी में हम 2 टेस्ट मैच अपने घर पर हारे, लेकिन पिछले 3 टेस्ट मैच जो हमने अपने घर पर खेले हैं उसमें हम 2 हार चुके हैं और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। हमें भी रोहित शर्मा बहुत पसंद है और हम जानते हैं कि मौजूदा वक्त में उनसे बेहतर कप्तान भारतीय टीम के पास नहीं है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा कई जगह क्लूलेस दिखाई दिए, खासकर जब पोप बल्लेबाजी कर रहे थे तब। पोप रिवर्स स्वीप लगाते गए, लेकिन हमारी तरफ से उनको काउंटर करने के लिए कोई प्लान ही नहीं आया। जब हम प्रेशर में आए तो सारी टीम के कंधे झुक गए थे। विराट कोहली को बतौर कप्तान ही नहीं, प्लेयर के तौर पर भी मिस किया गया, जो एक एक विकेट गिरने पर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर सब एक साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। समस्या नंबर 2, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, दोनों ने पिछले 10 टेस्ट इनिंग में एक हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाई है। शुभमन गिल को इंडियन क्रिकेट का प्रिंस कहा जाता है, गिल ने इसको सीरियसली ले लिया। उनने सोचा कि प्रिंस काम थोड़ी ना करता है, प्रजा से करवाता है, इसलिए उन्होंने भी खुद काम करना बंद कर दिया। साउथ अफ्रीका में जब वो फेल हो रहे थे तब फैंस ने कहा कि ये यंग बल्लेबाज है और साउथ अफ्रीका तो सभी के लिए मुश्किल होता है, इंडिया वापस आएंगे तो देखना। लेकिन इंडिया में भी देखा नहीं जा रहा भैया, लगभग उतनी ही उम्र के ओलीपॉप जिनको इंग्लैंड वाले अपना प्रिंस भी नहीं बोलते, वो अक्षर, अश्विन और जडेजा के सामने लगभग डबल सेंचुरी लगा कर गया भैया सेकंड इनिंग में। इसी तरह श्रेयस अय्यर भी मीडिया की लाइमलाइट में नहीं रहते। इसका नुकसान भी है कि उनके रन को इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती, लेकिन फायदा भी ये है कि उनके फेलियर की तरफ भी लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पर गुस्सा निकल जाता है, लेकिन चले वहां पर अय्यर भी नहीं थे। इसी तरह इस टेस्ट मैच में भी इतने लोगों पर बात हुई है, लेकिन अय्यर के ऊपर लाइमलाइट नहीं थी तो उन पर ज्यादा बात नहीं हुई। अब देखिए, बात यह है कि ये दोनों ही बहुत टैलेंटेड बैटर्स हैं और मुझे पसंद है, लेकिन दिक्कत यह कि टैलेंट के बेसिस पर टीम में जगह को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। गिल नंबर 3 पर और अय्यर 5 पर खेल रहे हैं। इससे पहले इस जगह पर चेतेश्वर पुजारा और रहाणे खेला करते थे, जो अब भले ही फॉर्म में नहीं है लेकिन उनकी लेगेसी लंबी है। गिल और अय्यर के इस परफॉर्मेंस के बाद कई लोगों को लगा कि यार इससे बेहतर तो पुजारा और रहाणे को ही खेला लेते, है कि नहीं। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो है, पहले समस्या नहीं थी लेकिन कल ही सामने आई है। दूसरे टेस्ट के लिए कोहली तो पहले से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इंजरी की वजह से अब इस टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल भी नहीं होंगे। पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड वाले हमको ऐसे पीटेंगे जैसे राहत फतेह अली खान अपने शागिर्द को पीट रहे थे। रविंद्र जडेजा तो हमारे लिए स्टार परफॉर्मर थे, पहले इनिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर और विकेट भी लिए उनने। केएल राहुल ने भी दोनों इनिंग में मिलाकर 100 से ज्यादा रन बनाए। इन दोनों का ही जाना उस खतरे की घंटी है जो हमें बड़ी जोर जोर से सुनाई दे रही है। उनके जाने से बस एक ही बात अच्छी हुई है कि केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीसीसीआई ने सरफराज खान को टीम में शामिल किया और पूरे इंडिया की 2 साल की सबसे बड़ी डिमांड अब जाकर पूरी हुई है। सरफराज टीम में तो आ गए, लेकिन क्या वो खेलेंगे इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो करेंगे। लेकिन फिलहाल दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या सरफराज को दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए या उनसे पहले टीम में बुलाए गए रजत पाटीदार खेलेंगे। और कोहली फैंस, आप लोग भी बताओ क्या कोहली को मिस कर रहे हो और उनका ना होना क्या पहले टेस्ट में हमको भारी पड़ा है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम आपसे रोज मिलते हैं, तड़कते भड़कते मुद्दे को लेकर क्रिकेट पर बात करते हैं। इस वार्तालाप में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब का बटन छू कर निकल जाइए और हम आपसे मिलेंगे कल। सुनने में आया है आज बाकी 3 टेस्ट मैचों की भी टीम अनाउंस होगी, उस पर भी नजर बनाकर रखेंगे। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।